बस इतनी ही ताकत है, एक बार और उठाओ। अब नहीं उठेगा नेहा, शरीर के अंदर से पूरी ऊर्जा निकल चुकी है। तुम्हारे अंदर से ऊर्जा निकल गई थी ना, फिर ये कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हाँ, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई थी ना, फिर अचानक कहाँ से आ गई? अब बोला ना, सूर्य से मिल गई। ये बात अलग है, वो नहीं मिल रहे। सूर्य से ऊर्जा मिल गई या सौंदर्य से ऊर्जा मिल गई? क्या क्या बोलती रहती हो। अच्छा नेहा जी, आपको एक बात पता है? कौन सी? मोहल्ले की महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ नहीं आया। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? हम मोहल्ले की महिलाओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें 40 मेंबर हैं। 40 मेंबर मतलब 40 नंबर। नेहा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हाँ तो क्या बता रही थी भूरी जी? अरे मोहल्ले में कई घरों में पुलिस के छापे पड़े हैं। छापे पड़े हैं, वैसे ये होता क्या है? अरे ये वैसा ही है जैसे तुम कभी भी मेरा मोबाइल लेकर चेक करने लगती हो। वो तो है, लेकिन पुलिस छापा मार क्यों रही है? अरे उनको एक प्राचीन मूर्ति की तलाश है। प्राचीन मूर्ति? प्राचीन मूर्ति हमारे घर में कहाँ से आ जाएगी? हमारे घर में तो केवल नई नई साड़ियाँ ही आती हैं। सुनो, तुम कुछ दिन पहले एक पैकेट में कुछ लाए थे ना? पैकेट में नमक लाया था शायद। विक्रम भाई, नमक का पैकेट तो अभी ही लाए थे, उससे पहले कुछ और लाए थे? कुछ नहीं, बहुत कुछ लाता रहता हूँ, वो भी रोज। कभी गरम मसाला का पैकेट, कभी चाय पत्ती का पैकेट। किराने की दुकान में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, दुकान के मालिक से ज़्यादा मुझे पता हो गया है। अच्छा। हाँ, एक दिन तो कहने लगा, भैया वो हमारे लड़कों को दिख नहीं रही है, आप ज़रा दो पैकेट मोगरा अगरबत्ती निकाल दीजिए। वैसे जब आप जाना, एक पैकेट लिए आना, मैं पैसे दे दूंगा। क्या लिए आना? मोगरा अगरबत्ती। बिल्कुल ले आऊंगा, और जला के नाक की दोनों नली में घुसेड़ दूंगा। मनोज जी, जो प्राचीन मूर्ति पुलिस ढूंढ रही है वो कितनी बड़ी है? बड़ी है? आपको कैसे पता? पेपर में देखा था, हाथी की मूर्ति है, बड़ी ही होगी। अच्छा, जरूरी है कि हाथी की मूर्ति है तो हाथी के बराबर होगी। अभी मैं कुछ दिनों पहले गरबा खेलते दो लोगों की मूर्ति लेके आया हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि वो 5 फुट के होंगे। मुझे तो नहीं दिखाई तुमने, कब लाए? वो एक दोस्त ने दी है गिफ्ट। विक्रम जी, कल का न्यूज पेपर है क्या आपके पास? कल का न्यूज पेपर है? क्यों, रद्दी खरीदने लगे क्या? देखिए नहीं है भाभी, बेइज्जती कर रहे हैं। एक मिनट, कल का न्यूज पेपर यही तो देखा था, ये रहा। जो डर था वही हुआ। अरे साफ साफ बताओ यार, ये डॉक्टर की तरह सस्पेंस क्यों बना रहे हो? पेपर में न्यूज देख रहे हो, एक्सरे में फेफड़े नहीं देख रहे हो? जो बोल रहे हो जिसका डर था वही हुआ, जल्दी बताओ। देखिए नहीं है भाभी। तुम 2 मिनट चुप रहोगे? बस 2 मिनट चुप रहना, ये तो बहुत छोटा काम है एक पति के लिए। अब बताइए ना मनोज जी, क्या है? भाभी जी ये देखिए ना, हाथी की मूर्ति के साथ साथ वो मूर्ति भी चोरी हुई है जो विक्रम भाई ने बताई है। कौन सी? डांडिया खेलते दो लोगों की मूर्ति? हाँ, वो सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति है। तो क्या हो गया, हमारा फ्रिज तो उससे ज्यादा पुराना होगा, क्यों नहीं? कहाँ रखी है बताओ, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। अरे तो आने दो ना पुलिस को, कौन सा मैंने चोरी की है? तुमने नहीं की, लेकिन जिससे तुमने ली है हो सकता है उसने की हो। सर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अभी नहीं, बाद में लीजिएगा। क्यों? वो क्या है ना सर, अभी अभी पोछा लगाया इसने तो सूखा नहीं है। अच्छा, पोछा सूखा नहीं है तो पुलिस अपना काम ना करे? हमारे घर में वैसे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। हाँ, चूहे मिल जाएंगे, चिपकली मिल जाएंगी, मच्छर शाम को मिलेंगे। हमें एक मूर्ति की तलाश है जो शहर के सबसे अमीर आदमी के यहाँ से चोरी हुई है। अच्छा, मतलब विधायक जी के यहाँ से? तुमको कैसे पता वो विधायक है? अक्सर होता है ना सर। तो बताइए, तलाशी लेने देंगे या मैं और फोर्स लेके आऊँ? नहीं नहीं, आइए अंदर आइए। अपना अपना परिचय दीजिए। जी जी, मैं विक्रम सिंह, पिता गोविंद सिंह, माता श्रीमती। अरे मती मती मत करो, शॉर्ट में सबका बता दो जल्दी।
अच्छा तो मैं विक्रम सिंह, ये मेरी धर्मपत्नी नेहा जो कि हाउसवाइफ है, और वो मेरे पड़ोसी मनोज जी। वो क्या है? वो पत्रकार है। पापा पत्रकार? हाँ हाँ, बताइए ना कि आप कितने बड़े पत्रकार हैं। बहुत बड़े हैं, हमारे परिवार में सभी पत्रकार रहे हैं। वो अंजना ओम कश्यप चाची हैं इनकी। हैं? है नहीं, हाँ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। जी जी बिल्कुल, लेकिन वो कुछ होता है ना, वो कहाँ है? क्या होता है? पत्रकार जी से पूछते हैं। बताइए ना मनोज जी, वो क्या होता है जो पुलिस वाले लेके आते हैं? वारंटी। वारंटी नहीं, सर्च वारंट है वो। हाँ वो क्या है, हमारी चाची ने बोला है कि हर चीज को कोड वर्ड में बोलो। हाँ तो बताइए सर्च वारंट कहाँ है? अभी तो नहीं लाया। देखिए हमारे पास बड़ा पत्रकार है, सीधी बड़ी खबर छाप देगा वो, सोच लीजिए। ठीक है तो फिर मैं बाद में आता हूँ वारंटी लेके। कोई दिक्कत नहीं, कोड वर्ड ही बोला आपने, हम समझ गए। विक्रम भाई आपको झूठ नहीं बोलना था, मैं पत्रकार कब से हो गया? सॉरी मनोज जी, वो बोलना पड़ा, नहीं तो जो चोरी मैंने की नहीं उसके लिए पकड़ा जाता। अभी अभी उस मूर्ति को वापस करके आओ जिससे लेके आए थे। लेकिन अगर पुलिस वाले ने पता किया कि मैं पत्रकार हूं या नहीं, फिर क्या होगा? चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपको पता करके बताता हूं क्या होगा।